हाँ जी एक्चुअली ना सिक्स क्लास में हम गुरु जी और इकट्ठे शुरू किया पढ़ाई सरकारी हाई स्कूल पुरथला है इधर में बगल में आप यहां से गुजरते हैं यही गांव है। हाँ तो छेवीं क्लास तो बाद मैं चला गया लुधियाने बापू जी की पोस्टिंग उधर हो गई मैं उधर चला गया गुरु जी इधर पढ़ते रहे। फिर जब मैं टेंथ में हुआ तो बापू जी की पोस्टिंग बॉम्बे की हो गई देन आई कम बैक टू विलेज फिर इतने आ गया दसवीं फिर असि गुरु जी के नाल इकट्ठे हो गए। हाँ फिर असि इतने पढ़ते सी पुरथले टेंथ दे विच चलो दसवीं पढ़ते सी तां गुरु जी नूं वैसे मैनू ठाणा बोलते होंगे सी गुरु जी भी क्लास च भी बोलते होंगे सी जिहड़े बाकी स्टूडेंट सीगे बापू जी मेरे फादर साहब पुलिस में थानेदार थे ना इसलिए गुरु जी भी मेरे को ठाणा बोलते थे साहब थानेदार क्या हाल है अब बाद में। हाँ तो उस वक्त भी मुंडे बोलते थे थाना गुरु जी को बोलते थे बिल्ले के नाम से बिल्ला बोलते थे गुरु जी को थोड़े अंकों का ऐसा था ना उनका डायरेक्शन तो जो क्लास फेलो मुंडे थे वो सभी लोग गुरु जी को बिल्ला बोलते थे कैसा है बिल्ले ऐसा है। वैसे जरूर है भी गुरु जी में शुरू से लेके ही जो मतलब आप ये कह सकते हैं भी उन्होंने क्वालिटी उन्होंने वक्री सी मतलब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। हाँ कई बार ऐसी बात होती थी हमारे एक टीचर था मैथ का बहुत अच्छा टीचर था मेहर सिंह था उसका नाम वो हमारे को मैथ पढ़ाता था शक्त भी बहुत था वो कई बार उस वो भी सवाल निकालता तो उससे नहीं निकलता था तो गुरुजी जाके ब्लैक बोर्ड के ऊपर ना सवाल सॉल्व कर देते इतने मतलब इंटेलिजेंट थे। हाँ हम तो सो सो थे कोई इंटेलिजेंस ही नहीं थी हमारी ठीक है ना लेकिन गुरु जी बहुत इंटेलिजेंट थे और दसवीं तक हमने इकट्ठा ने दसवीं की टेंथ क्लास का मतलब गुरु जी में कोई ऐसी क्वालिटी थी कि बस हर चीज जो पकड़ते थे तो बड़े आराम से एक बारी पढ़ लिया तो हर चीज उनके ज्यादा ये नहीं है भी दोबारा दोबारा रिपीट करनी पड़ती काफी इंटेलिजेंट थे शुरू से। बस फिर तो मैं इधर से लुधियाना चला गया दसवीं के बाद उधर कॉलेज में लग गया गुरु जी इधर मलेरकोटला लग गए तो फिर तो हमारा कितने साल तक कोई मुलाकात नहीं हुई गुरु जी से काफी देर फिर करीब मेरा ख्याल है 98 की बात होगी शायद 97-98 में हरपाल टवाणा थे शायद आपने सुना होगा ड्रामा करते थे कलाकार थे बहुत अगले डायरेक्टर थे ड्रामे के फिल्म भी बनाई उन्होंने लौंग का लस्कारा पंजाबी फिल्म बनाई और कई सीरियल नाटक खेले उन्होंने हिंद दी चादर होर इस तरह के कई सीरियल खेले पहला लुधियाना था इन्होंने थिएटर बाहर खेलते थे वो गुरु जी के बहुत करीब थे गुरु जी के बापू जी और हरपाल टवाणा हमारा मैडम का ब्रदर तो नहीं भतीजा लगता था लेकिन ब्रदर की तरह मानते थे ये और जो गुरु जी के बापू जी थे वो हरपाल टवाणा के क्लास फेलो थे बापू जी के दुगरी वाला थे। हाँ ये एक क्लास फेलो थे एक टाइम इसके हरपाल टवाणा के बेटे की शादी थी तो गुरु जी दिल्ली से इधर आए पटियाला में तो हमने भी जाना ही था थोड़ा बोला भी शादी है रिश्तेदार थे हमारे हम भी गए मैं तो मैडम गए बच्चे तो नहीं गए थे तो वो जाके देखा मैंने गुरु जी के आसपास बहुत बड़े बड़े लोग खड़े थे कोई जज खड़ा था कोई एक्टर खड़ा था कोई डायरेक्टर दारा सिंह हुआ राज बब्बर हुआ पुराने ठिकाने काफी लोग जमा थे मोदी जज था मलेरकोटले का एक जिनको 5-7 बंदे को मैं जानता था ते बाकी बाबा जब गुरुजी की गाड़ी से उतर के आए तो उनको बाजे के साथ हरपाल टवाणा उधर लेके आया आगे जहां उनका स्टेज बनाई थी जहां चेयर लगाई थी ऐसे उन्होंने उधर ले आके बैठा दिया ते हम साइड में खड़े थे थोड़ा आके ते मेरे को टवाणा बोला कि आप को गुरुजी से मिलाऊं मेरे गुरुजी को आप मिले हो कभी नहीं मैं तो नहीं मिला कहां गुरुजी आपके कौन है आओ मिलाता हूं आपको कहना
मैं क्या ठीक है मैं देखा थोड़ा अगे जाके मैं मैं कहना वो बैठे सामने कुर्सी से बैठ दू बैठी जाऊ कहना भी आज तो अनुमान में गुरु जी मनाना अगे बैठे सी मैं किसे कहना वो गुरु जी है मेरे मैं यार ये तो दुगरी तो नहीं गए कहना दुगरी गया तुम जानते हो मैं जानना चंगी तरह मैं क्या इन्हों का नौ निर्मल सिंह नहीं है कहना हां नौ तो निर्मल सिंह है ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕੀ ਲਾਮਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 69-70 में हमने मैट्रिक किया अबाउट 30 इयर्स आई मेट 30 साल बाद मेरा हल्ला मैं मिलया हूं गुरु जी ने आफ्टर दैट जो मैं देखा फिर हरपाल टवाड़े ने कहा मैं यार देख मैं पैरी हाथ नहीं लाऊंगा हाँ ठीक है ना मैं क्या टवाड़ा मैं पैरी हाथ नहीं लाने क्या तुम्हारी मर्जी हाँ चलो असं दोनों ने मैं असी मैडम सत श्रीकाल गुरु जी ने हाथ लाया ਹਾਂ ਬਰਵਿੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਬਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜੱਜ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਲਸੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰਪਾਲ ਟਵਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਤੇ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਵਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਮ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਆਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇਧਰ ਤੋ ਹਮ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਧਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰਸੋਈ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਹਮ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਵਾਣਾ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲਾ ਘਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ ਟੁਕਰੀ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਅੰਬ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਅੰਬ ਚੂਪਦੇ ਰਹੇ ਸੂਏ ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਵਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਲੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਵਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅਟਕਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਰਪਾਲ ਟਵਾਣੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਧਰੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਂ ਉਧਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ
कुतुब मीनार के बैठ के पास में, बस उधर देखा कुतुब मीनार वहीं बैठ के प्रसादी सक ले अपने जेडे लेके आए थे। फिर मैं टवाणे को फोन किया, मैं टवाणा यार उसका नंबर बाई चांस मेरी पॉकेट में था बटुए। अच्छा। मैं क्या यार असी इतने पहुंच गए साडे कोल नाल बंदे सीगे अगे पिछे हो गए ने सानू दस किधर नू जाइए। फिर उन्हें नोट कराया बैर स्टेट इना नंबर इस तरह पुरानी रोड है तुझे उधर चले जाए। फिर वो ड्राइवर थोड़ा वाकफ सीगा वो सब तो 15 मिनट अगे पहुंचे जद रोज चले गए नाल उत्थे जाके अगे गेट से पुछया ए गौर भी अपने तीजा गुरु जी का एक होर मुंडा मेरा ख्याल चिड़ी बल्ला खेल रहे थे मैं इसको भी नहीं जानता था वैसे। हाँ मैं पूछा भी ऐसे करके इधर में गुरु जी रहते आए। हाँ भी आए कि मकान है केड़ी कोठी जी कितने है रेंदे कि मंदिर है जो वो कहना अंकल इत ही रेंदे गौर बोलिया। चलो अभी गए पहली बारी जाके जुत्ती जोड़े खोले पता नहीं थी मत्था भी किस तरह टेकना है वो बोलता था कैसे टेकते हैं पैसे के साथ टेका जाता है उसने दसिया भी पैसे नाल नहीं थे फुल पहला फुल चढ़ते होंगे सके शायद थोड़ू भी पता होगा पहला जिन्हें भी जाते संगत चंगे बंदे जाते इस तरह भी सारे मतलब फुल जा दस्ते गुलदस्ते वो लेके जाया करते जब गुरु जी बैठे हो गए इतने उतने उच्चे हो जाया करते आगे में। हाँ सिर्फ फुलों से मत्था टेकता था पहले बाद में गुरु जी ने मना कर दिया भी इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि स्टेज इतनी होती है हर रोज 2-3 टोकरे और हर रोज ही संगत जुटती थी पहले बाद में तो 3 दिन कर दिए थे ना 4 दिन कर दिए पहले 7 के 7 दिन ही संगत जुटती थी। हाँ और इतने इतने फुल गुरु जी के आगे ना गरा लग जाता था। हाँ बहुत ज्यादा। चलो हम भी चले गए वो भी पहुंच चुके थे गुरु जी अभी अंदर थे जाके उसमें बैठ के जो खुला हम नीचे था जहां गुरु जी संगत लगाते थे। चलो गुरु जी आए सब ने मत्था टेकिया पहले से हमने सोचा बापू जी भी शायद साथ में गए थे हमारे उनके बलवीर के साथ में। हाँ मैंने सोचा यार मत्था कैसे टेकेंगे हम लोग सत श्रीकाल कराएंगे। फिर जब उन्होंने देखा भी गुरु जी के बापू जी भी गुरु जी को तो मत्था टेकते हैं गुरु जी की सिस्टर जाती है तो वो भी गुरु जी को नमस्कार करती है इसलिए हमारा तो फिर तो कोई बात नहीं हम भी मत्था टेकेंगे गुरु जी को। हाँ एक बारी गए 2 बारी गए 3 बारी गए चलते गए चल थोड़ा थोड़ी देर फिर 2-3 बारी के जाने के बाद में थोड़ा बात हुआ गुरु जी बच्चों का इधर में कहीं किसी को बोलो कुछ शक्ल कराने के लिए। हाँ पहले तो हिम्मत नहीं हुई 2-3 बारी में फिर मैंने भाई बलबीर को बोला वहां यार गुरु जी को बात तो करते नहीं हाँ क्या रो जाने का फायदा क्या है तो कहते कोई बात नहीं तुम आ ही जाओ चुप करके आओ से आके मत्था टेको बैठ जाओ 1-2-3-4 बारी में अपने आप करते हैं। फिर 3-4 बारी गए तो कोई बात ना हुआ फिर गए बोले इसका बायोडाटा लेके आयो बेटे का नहीं आ गया मैं क्या भाई हाँ बायोडाटा लाया गुरु जी हाँ ठीक है अच्छा उस आंटी को दे देना और क्या थे जो इतने से चिट्टे बाड़ा क्या बोलते हैं उनको जोशी जोशी आंटी को दे देना ठीक अच्छा। है उनको दे दिया फिर 2-3 घंटे लगाए फिर कोई बात ना चली फिर उसके पीछे गए तो फिर गुरु जी ने ड्यूटी लगाई मैं शायद नहीं गया था उस रोज एक पृथ्वीराज था राजस्थान से जयपुर से आता था गुरु जी के पास उसका भी ये था भी उसके को बच्चा नहीं हुआ था करीब उसने मेरा ख्याल 5-6 लाख रुपया इलाज में लगा दिया घर वाले के कोई बच्चा नहीं और उसको सभी ने बोल दिया कि आपके डॉक्टरों ने कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता वो गुरु जी की शरण में आ गया किसी के कहने से और गुरु जी ने बोल दिया कि आज कितनी तरीका है इतनी है आज के इस टाइम तक लाने को आपके मन बच्चा होगा ठीक उसे 10 महीने बाद पता नहीं जो टाइम दिया गुरु जी ने उस टाइम पे जाके उसके बेटा पैदा हुआ और वो बहुत ही श्रद्धालु था गुरु जी का बहुत ज्यादा आता था बस ऐसे नहीं संगत की तरह आके बैठे जाए ऐसे करे कुछ नहीं बस आके अखा मिल के बैठ जाता था। गुरु जी ने उसकी ड्यूटी लाई भी जाओ इसकी इंटरव्यू कराओ ड्यूटी छोटे बेटे की हाँ पुरानी जगह इसकी इंटरव्यू वो इधर से गए थे फिर भी मतलब उसने अपनी गाड़ी में अपने ही उसने पेंट कोट दिया इसको
ये तो वैसे चले गए ना, अभी जाना है गुरु जी का, ठीक है। हाँ, तो जैसे इंटरव्यू देनी थी सारी गाइडेंस उसने देखे, एक दो तीन चार रोज में इंटरव्यू कराई। हाँ, फिर तीसरे चौथे दिन ये मैडम कहते उस टाइम मैं नहीं था, फिर चौथे के दिन जाके इन्हों की सिटी बैंक में कहीं इंटरव्यू करा के उधर में अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो बड़े खुश, उन्होंने फोन किया, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो बढ़िया हो गया जो गुरु जी ने प्रेस कर दिया तो होगा तो बढ़िया। फिर इसको सिटी बैंक में जो ट्यूब को मिल गया दिल्ली में, फिर करीब फिर आखिर साल डेढ़ साल इन्हें बहुत मेहनत किया दिल्ली में। हाँ, उधर ही रहा एक फ्लैट में, दो तीन मुंडे रहते थे कहीं, काफी मेहनत करता रहा। उसके बाद फिर इसको इतना लगा कि मेरा तो जहां दम घुट रहा है, डैडी मैं तो छोड़ के आने वाला हूं, मैं यहां नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तो थोड़ी देर और लगाओ, तीन दो महीने चार महीने लगाओ, फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ देना ना, अच्छा लगा तू। हाँ, फिर इसने उसी के दरमियान अपने किसी फ्रेंड के साथ बातचीत हुआ, उसने बोला कि तेरा मैं आईसीआईसी में इंटरव्यू कराता हूं। हाँ, फिर उसके बिटवीन उधर इंटरव्यू करवा दिया इसका। अच्छा। हाँ, तो उस इंटरव्यू में इसकी फिर सिलेक्शन हो गया। हाँ, फिर उधर इसने छोड़ के आईसीआईसी में ज्वाइन कर लिया। आईसीआईसी में ज्वाइन करके फिर इसकी पोस्टिंग चंडीगढ़ की हो गया, फिर इधर में आ गया। तो ब्लेस्ड ही हो गया ना उसकी पहली दफा। हाँ, बस हाँ, पहली तो है ही ना। हाँ, फिर उधर में होते होते फिर एचडीएफसी में इसने कर दिया अपना इंटरव्यू, दे दिया जहां अब चल रहा है। फिर एचडीएफसी में हो गया इसका, तीन चार साल हो गए और इधर चल रहा है, तो बढ़िया परफेक्ट है अपने काम में एक नंबर। उसके बाद तो जो जितना भी होता रहा, जो किसी बच्चे की शादी की, पहले बेटी का किया मैंने, वो भी गुरुजी को पूछा, गुरुजी ऐसे हैं फलाने जगह करते हैं ऐसा, उसकी बोले फोटो लाओ लड़के की, वो भी दिखाया ऐसे ऐसे, तो चलो ठीक है कर दो ठीक रहेगा, वो भी उनके ब्लेसिंग से किया। उधर तो बेटी की शादी रख दी। उधर मैं ऐसी गया एक बारी, तो मैडम ने गुरुजी को सवाल किया, गुरुजी मकान बनाना चाहते हैं, हाँ हमारे को आशीर्वाद हो। मैं क्या गुरु जी का कम नहीं है मैडम ने, मैं कुड़ी जब शादी कर रही हूँ जी, उसके लिए तो इतने पैसे अभी नहीं है, कल ही शादी के लिए, घर में कहाँ से आएंगे घर बनाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि पांच चार लाख लाख दो लाख से बन जाएगा, ये तो अभी बोले जा रहे हैं। कहते कोई नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो पांच ईंट लेके आना, तो मैं ब्रश करके दे। चलो हम उधर से आ गए, आके फिर तीन चार महीने कहीं नहीं गए, चार पांच महीने, और बिटवीन मैडम बोलते रहे मेरे को, गुरुजी ने अपने को बुलाया था, आप पांच ईंटा या सात ईंट लेके जाना, गुरुजी ने बोला लेके आओ मैं ब्लेस कर दूंगा। मैं क्या तू तो कबड़ी हुई है, गुरुजी ने तो कह दिया तेरा कहना नहीं मुड़िया, पांच या सात ईंटा ला कहना अपना मकान पै जूगा। कहते कोई नहीं तुम आप चलो, गुरु तो ब्लेस करा के लिया के फिर रख लांगे अंदर, जो तो शुरू करा फिर बरत लांगे। चलो जी, फिर उस तो थोड़ी देर बाद मीनाखंड पिछों मेरा पांच छह महीने बाद गए दिल्ली, वो इट्टा पहले घर मंगा के रख लिया सी इन्होंने, रसोई रहते थे। अच्छा। चलो जिदे जाना सी बेटे भी नाल, तो इट्टा ले लिया सी कली कली, इट्टा अखबार च लपेट के थैले च पा लिया सत इट्टा। हाँ, चले गए डिग्गी च रखिया, दिल्ली पहुंच गए, पहुंच गए असि पैर स्टेट के बाहर गड्डी खड़ी की थी, बाहर जाके अर्ली चले गए थोड़ा, गुरु जी पहले पैसे निकलाते थे ना बाहर में लॉबी में, हाँ पैंट शर्ट बैठ के जैसे सामने अपने वो लगे ना उसके ऊपर बैठे सामने, नमस्कार करते हो बैठ के, थोड़ी देर बैठे रहे बातें बूते, मेरे से सारे कर भी लेते थे, फलाना अपना टीचर था वो पैसा है, फलाना मर गया है, फलाना ऐसे करता था, वो फलाना मुंडा पढ़ता सी अपने नाल, जो बो बाजरे का सी वो मानवी दे पढ़ते सी फलाने फलाने, उन्हों का की हाल है, सारे गुरु जी ने पूछना मेरे से काफी। हाँ, मैं दसना भी गुरु जी वो फलाना तो चढ़ाई कर गया, फलाना ठीक है, फलाने का कारोबार कर रहे हैं, फलाना इस तरह कर रहे हैं, सारिया गल् साझिया कर दी काफी मात्रा से। चलो थोड़ी देर बैठे, फिर गुरु जी असं कुछ नहीं किया, इट्टा लेके आए हो, गुरु जी आपको बोले, हाँ गुरु जी लेके आए हैं।
लिया चाके जिदा हाथ मारे लिया चाक फिर मैं इन्होंने काके क्या वहां जाओगे तुम इना जरा बैग सगा टाला कार चो कढ के लिया डिग्गी चो बहर कटी सी रोड के उपर फिर इटा ले आए इटा लिया के मैडम सामने आ जाओ जो करू था गुरु जी का मां मार को बुला लिया बैठ के ठीक ठाक बुला लिया मंगा लिया अंदर फिर उनको बोला भी ऐसे ऐसे करना मैंने बोला गुरु जी देखो अब तो हमारे पास कुछ नहीं है हम नहीं करने पाएंगे चलो ठीक है आप ब्लेस कर दो कहते ठीक है मैं ब्लेस कर देता हूँ जब पुराओगे तो ऐसे ऐसे कर लेना हाँ पहले बार को बोल दिया था कि ईंट लेना साथ में एक साफ छपड़ी लेना चंदी का हाँ छोटा छोटा था हाँ भी वो लेना ब्रश कर दी फिर वो उसी वो लेके वो भी ब्रश कर दिया ये भी ब्रश कर दिया और बोला कि जब रखना है पता नहीं मंगलवार बोला कि कौन सा दिन भी वो सवेरे के टाइम चढ़ती वाले पास से करके नी में रखना जो है ये ईंट और गुड़का पहना सरसों का तेल की बोतल हाँ जो तीन चार चीजें गुरु जी ने बोला ऐसे ऐसे करना जब भी शुरू करूंगा चलो ले आके अपने ईंट फिर रख ली घर में तो कुछ ही देर बाद मैडो कहने लगे चलो अपना थोड़ा बना लो एक कमरा बना लो जमीन खरीदी थी है जी जमीन खरीदी थी आपने नहीं ये तो यही ये जमीन खरीदी थी पहले नहीं पहले थी जी तो सैलर है ना राइस मिल अच्छा हाँ ये राइस मिल था राइस मिल के दरमियान की उसी में जमीन है ये अच्छा हाँ, उसी के बाउंड्री के अंदर थी ये अच्छा हाँ हाँ कॉर्नर में जमीन तो पहली थी ये अच्छा हाँ फिर भी गुरु जी ने पूछा ये भी गुरु जी ने पूछा हमने कि गुरु जी हमारा ये पैनल सोई रहते थे ना इधर में गुरु जी साथ में हमारे ब्रदर का मकान है दीवार पिट के साथ लगता था वो थोड़ा हमारे को तंग करते थे वो था एक दूसरा ब्रदर था बटा वो थोड़ा ना हमारे को हैरान करते थे काफी गुरु जी को पता था सारा मैंने बोल रखा था गुरु जी दसो बनाए कहाँ बनाए मकान तो गुरु जी बोले भी कहाँ बनाओगे इधर बना लो उधर बना लो कहाँ ठीक रहेगा ऐसे रहेगा तो मैं क्या गुरु जी दसो तुम फिर गुरु जी ने बोला कि आप वहीं बना लो सैलर में बना लो हाँ मैं चलो ठीक है गुरु जी बस छे चलो गुरु जी कहते ठीक है उठे बना लो चलो मैडम कहने लगे भी आप एक कमरा पा लो बाकी नींह भर के रख लो ना बनावे बाद च बना लागे जो पैसे हो चलो मैं क्या ठीक है तो सदा जो राइस मिल चल रहा है सावनी का सीजन पैटी का मैं क्या ठीक है असि थोड़ी जी 40-50 हजार इट मंगा ली अपने ट्रक न 40-50 हजार इंट मंगा लिया और दो रेते के ट्रक मंगा लिया अपने ट्रक के साथ एक बजरी का मंगा लिया ठीक है ड्यूक का एक फ्रेंड था पटियाला में उसके जो फादर थे ना वो कॉन्ट्रैक्टर थे ये बिल्डिंग बनाते थे ड्यूक ने उनको बोल दिया कि तुम जाके साडा इतना काम करके आओ हाँ कोठी बनानी है खाली उसकी नींव भरनी है एक अद्धा कमरा बनाएगा उन्हें बोलिया ठीक है तेरू मैं बंदे भेज दूंगा वो आया उसने नक्शा नुक्शा जहा बना के दिखा गया मैनू मैं कहा भी देखा इधर इधर जिम्मे तेन ठीक लगता हवा आ रहा होना चाहिए और वधिया हो ना हो कि नेरा पवे कहना नहीं सी मैं इदा बना लागे इदा कर लागे फिर डिमार्केशन जी दे गया जी बंदे उसने भेज दिए सीमेंट मंगा लिया उन्हें सब सैला चलो थोड़ा बना लेते हैं लेकिन ये मेरे मन में रीत थी भी जब भी बनाएंगे तो बाहरले मंदिर की तरह मैं बेसमेंट जरूर बनानी चाहता हूँ उसमें नक्शे में नहीं है जे लेकिन मैं चाहता हूँ कि उधर में बेसमेंट देखी थी मैंने मंदिर में अच्छा। हाँ ये देखिए ना आपने हमारी कोठी के नीचे हाँ ये उसी की वजह से मैंने उसी को देख के दिमाग में लाए कि भी जैसे गुरु जी ने उधर मंदिर में बेसमेंट बनाई है तो मैं जरूर बनाना चाहता हूँ बड़े मंदिर को देखते हाँ अच्छा हाँ है ना नीचे उधर में जैसे उसको देख के मेरे दिमाग में था कि बेसमेंट में जरूर बनाऊ चलो फिर मैं ठेकेदार को बोला कि देख जा रहा ऊपर बिल्कुल ना बनाओ चाहे हम नीचे ही रह लेंगे नीचे बेसमेंट बेसमेंट खाली बना के ऊपर नहीं भर दो खाली और हम उसी में रह लेंगे और बोला अगर आप चाहते हो तो ठीक है हम बेसमेंट बना देते हैं ऐसे ऐसे खर्चा थोड़ा फालतू पड़ेगा अच्छा जब कोई बात नहीं दीवारें डबल होंगी चाड़े में लोग करनी पड़ेगी उधर प्रस्तर उधर प्रस्तर थोड़ा कंक्रीट ज्यादा पड़ेगी लोग जो भी है तो नीचे बना दे हमारे पास बोला ठीक है जी
अपने नीचे के रेंट की पूरी तैयारी कर लीजिए, 1000 स्क्वेयर फुट की है हमारी बेसमेंट जो है ना। मैं बोला भी ठीक है यार इतना बना लो, तो फिर काम शुरू कर लिया। काम शुरू करने के बाद ऐसा हुआ, काम चलता गया, काम चलते गया, काम चलता गया, तो ऐसा टाइम हुआ भी मतलब फिर ये प्रोग्राम बन गया भी बेसमेंट के साथ नींव भर के, नींव भर के एक जो ग्राउंड फ्लोर है जो ये भी बना लिया जाए। हाँ ये हमारे दिमाग में जरूर, हाँ बस जिस दिन शुरू कर लिया बिल्कुल ये समझो भी बिना पैसों के थोड़े पैसे ना काम शुरू किया, और एक साल के अंदर जितना भी बना हुआ ये कोठी नीचे से ऊपर तक सारे का सारा एक साल में बिल्कुल रेडी होके एक साल के बाद हम जहां पहुंच गए, शिफ्ट कर गए हम। नॉर्मली लोगों के घर बनते हैं, आपका वैसा बन गया। हाँ कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई रुका नहीं काम, छुट्टी एक भी नहीं की साल में। अच्छा। सिर्फ एक दिन दिवाली के नेक्स्ट डे जो करते हैं ना मिस्त्री लोग विश्वकर्मा डे की, वो छुट्टी किया। नहीं पूरे साल के अंदर अंदर पूरा लक्कड़ गुड़नू वर्क भी हो गया, फर्श भी पड़ गए, बिजली फिटिंग जो भी एवरीथिंग, एक साल रंग भी अंदर अंदर हो गया, एक साल के अंदर तैयार होके गुरु जी की ब्लैसिंग के नाल मतलब अभी इतने शिफ्ट कर गए। फिर पूछने गए जी गुरु जी को, गुरु जी कब शिफ्ट करें? हाँ गुरु जी ने बोला कि आपको आजादी मिली है ना, इधर टाइट जगह से बाहर खुली जगह जाना है, आजाद होना है आप लोगों ने, इसलिए 15 अगस्त को शिफ्ट करो, आजादी के दिन जाओ आजाद हो गए है ना। उनकी वजह से ये बढ़ा, उनकी सारी आशीर्वाद से उसी से शिफ्ट हुआ। हाँ उसी साल शादी थी, बेटे की शादी भी की और ये भी तैयार हो गया। काफी पैसे लगे लेकिन चलता गया काम, कोई नहीं रुका, कोई कुछ नहीं, कोई किसी से लोन नहीं, कोई बैंक से लोन नहीं लिया, ठीक करता गया। गुरु जी कृपा, फिर इसके बड़े बेटे बिल्कुल है पूरा बड़ा। हाँ मैं दस्या अभी कई यार इटा लैजो, वहां 5-7 इटा ला के घर बन जूगा थोड़ा, ऐसा ब्लस किया गुरु जी ने, बहुत बढ़िया। हमारे एरिया में कोई ऐसी कोठी नहीं थी उस टाइम, हम तो होगी होगी पहले हमारी कोठी जैसी किसी की नहीं थी इधर। हाँ एक कोठी और बड़ी है जो हम देख रहे थे बापू जी के घर से, वहाँ नीले रंग की बलबीर सिंह ने, बलबीर सिंह की पाओ तो आप हमारे से पीछे बढ़ी है, हमारे से बहुत बड़ी है, और तो और हो भी शक्तियां और भी होगी हो, लेकिन उस टाइम हमारे इधर में कोई कोठी नहीं थी हमारे जैसे। हाँ गुरु जी ने ब्लेस किया, जो बर्थडे के साथ ही किया इसका, ये भी उनसे पूछ कर गुरु जी से, गुरु जी कैसे कर ले ऐसे, पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा ना, होगा बिल्कुल गाँव में। हाँ बस फिर जो है बच्चे सारे घुसे हैं, बेटी है उसकी, एक बेटी एक बेटा है पटियाला में, बहुत बढ़िया फैमिली मिली और करोड़पति है, खुश है, ये है बच्चे दोनों ही, इसके दो बेटे हैं, दीव के एक बेटा है, सारे बढ़िया सेट है, तीनों बढ़िया सेट है, कोई ऐसी बात ही नहीं है हमारे को। अब और कुछ भी गुरु जी से कुछ भी मांगने को बाकी नहीं रहा, जो सी सारी चीजें हमारे को दे दिया गुरु जी ने, पोते पोतियां दोते दोती सारा कुछ कंप्लीट, सारे सेट हैं अपनी जगह, हम भी फ्री हैं, कोई दिमाग पे टेंशन नहीं कुछ नहीं, ये बात है, सारा ब्लेसिंग गुरु जी की है। ये होता ना, उसने इनको बच्चों को ये बताई थी, राम और कृष्ण जी भी पैदा हुए थे, उनको भी गुरुओं की लोड़ पड़ी थी। नहीं नहीं तो है ही कुदरती बात, जो अवतार भी जब पैदा हुए थे सुदामा दोस्त बना था ना किसी जो अपने गुरु को गए थे, तो ऐसे ही हमारे गुरु भी हम पे गुरु स्थल पे आए, और गुरु जी ने इतना ब्लेस किया तो ये भी स्कूल गए, स्कूल गए तो फिर दोस्त बने, दोस्त बने। हाँ हाँ बिल्कुल, नॉर्मली अवतार होकर भी लेकर नॉर्मल नहीं, पहले बार को ये जरूर सी मतलब साढ़े एक
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਘਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਬਾਈ ਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਬੋਨ ਪੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਗੱਜ ਸਾਡਾ ਡੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਬੈਡ ਪੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਗਰੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਸੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਫਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਵਾਰ ਨੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਫੀ 98 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।